हम डेली जो भी चीजें खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियां, अनाज, ऑयल, दालें, तो इन सभी को उगाने के लिए, बनाने के लिए बहुत ही सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। और जब भी हम इस तरह की चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है वो इन चीजों में से पूरी नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स, फिटनेस ट्रेनर सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टी विटामिन लो। लेकिन मल्टी विटामिन लेना क्या सेफ है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मल्टी विटामिन की टेबलेट सूट नहीं करती, और जो आयुर्वेदिक मल्टी विटामिन आते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर कुछ औषधियों के कॉम्बिनेशन करके अगर मल्टी विटामिन बनाया जाए तो दुनिया का सबसे बेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव मल्टी विटामिन सप्लीमेंट तैयार होता है। और ये सप्लीमेंट हमारे शरीर के लिए मल्टी विटामिन का तो काम करेगा ही, लेकिन साथ ही हमारे शरीर में बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम को भी एक खत्म करेगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है, मेरी चरण मिस्टर थेरेपिस्ट हूँ। मैं हूँ जेरी पटेल, आई एम अ थेरेपिस्ट। आई एम डूइंग हिजाम एंड कपिंग थेरेपी, लश थेरेपी, अग्निकर्मा, नश्यकर्मा, नाड़ीपैथी एंड शंख प्रशलन। मल्टी विटामिन बनाने के लिए जितने भी हम औषधियों का यूज करेंगे वो आपको फ्रेश लेके आनी है, और इन सभी औषधियों को आपको छांव में सुखाना है। अगर इन औषधियों को आपने धूप में सुखाया तो उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा, और उन औषधियों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मल्टी विटामिन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 11 औषधियों की, जिसमें है विटग्रास, मोरिंगा के पत्ते, पालक, तुलसी, गुलाब के फूल, अतिबला, भिंगराज, कैल्शियम हल्दी, गिलोय सत या फिर गिलोय सत्व, आंवला एंड बरगद के फल। इन सभी औषधियों को हम कूट पीस के इसका पाउडर बना लेंगे, और इसको पीसने के लिए आपको मिक्सी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आपने इन औषधियों को मिक्सर में पीसा तो इसका जो नेचुरल ऑयल है वो उड़ जाएगा और वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। इन सभी औषधियों को कूटने के बाद जो इसका पाउडर है हम उसको कपड़े से या फिर छन्नी से छान लेंगे, और ये हमारा मल्टी विटामिन सप्लीमेंट बनके रेडी है। अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की तो इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फॉस्फोरस, सोडियम, डायट्री फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, के, थायामिन मिस B1, रिबोफ्लेविन मिस B2, नियासिन मिस B3, क्वांटेथेनिक एसिड मिस B5, पायरिडोक्सिन मिस B6, बायोटिन मिस B7, फॉलिक एसिड मिस B9 एंड B12। इसके अलावा इसके अंदर आर्जिनाइन, थियानाइन एंड लिसिन जैसे मिनरल्स, विटामिन एंड न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और ये मल्टी विटामिन की सबसे मजेदार बात तो ये है कि 100% नेचुरल है और औषधियों से बनाया गया है। अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एक चम्मच इस पाउडर को एक चम्मच शहद के साथ लेते हो तो ये कोल्ड एंड कफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप एक चम्मच इस पाउडर को एक चम्मच देसी गाय के घी के साथ लेते हो तो बॉडी में बढ़ी हुई गर्मी, लीवर की गर्मी, आंखों में जलन, शरीर में ज्यादा पसीना आना, पेट में जलन होना, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा है, तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम को ये खत्म करेगा। अगर आप एक चम्मच इस पाउडर को एक गिलास गर्म पानी के साथ लेते हो तो शरीर में आलस, चुस्ती को ये दूर करेगा। शरीर में छोटी मोटी जो दर्दें होती उसको ये खत्म करेगा। शरीर में आने वाली कमजोरी को ये खत्म करेगा। और अगर एक चम्मच इस पाउडर को नॉर्मल पानी के साथ लिया जाए तो हेयर एंड स्किन से जुड़ी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको एक खत्म करेगा। आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा, स्किन को रिंकल से दूर रखेगा, आपके हेयर की जो लेंथ है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होगा, और साथ ही आपके हेयर का वॉल्यूम बढ़ाएगा। ये पाउडर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ाने का काम करता है। जिन लोगों को स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी पे बार बार इचिंग होना, खुजली होना, तो उसको भी ये खत्म करेगा। ये पाउडर हमारे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर में जमी गंदगी, टॉक्सिन्स, उसको निकालने का काम करता है, में से हमारे शरीर को डेटॉक्स करने का भी काम करेगा। उम्र बढ़ने के बाद जो शरीर में कमजोरियां आती, थोड़ा चलने पे शरीर पे थकान लगना, शरीर में दर्द रहना, इवन हड्डियों में से कटकट की आवाजें आना, तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम को भी ये खत्म करेगा। इस मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को हमने औषधियों के कॉम्बिनेशन से इस तरह से तैयार किया
कि ना ही ये ज्यादा गर्म है और ना ये ठंडा है। मीन्स वात पीत कफ, आपका बॉडी का नेचर कोई भी हो, आप इस पाउडर को ले सकते हो। अगर आप इस पाउडर को घर पे बनाते हो तो स्टार्टिंग में इसकी जो डोज है वो आधे चम्मच से भी कम रखना, क्योंकि जो चीज आपने पहले नहीं खाई है उसकी आपके शरीर को हैबिट नहीं है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में इस पाउडर का स्टार्टिंग में यूज किया तो पॉसिबल है कि आपके पेट में दर्द हो या फिर लूज मोशन की शिकायत हो। 15 से 20 दिन के बाद आप इस पाउडर को एक चम्मच तक ले सकते हो। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस पाउडर को आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें और इस पाउडर को आप कांच की बोतल में एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।